हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं गदर 2 मूवी का, जिसको आज सिनेमा ग्रो में 11 अगस्त को रिलीज कर दिया गया है। आज हम उस मूवी के बारे में जानेंगे, क्या अच्छा और क्या बुरा, कैसी लगी मूवी और कितना अच्छा और कितना बुरा इस मूवी के अंदर, किस प्रकार का इसे रेस्पॉन्स मिल रहा है जनता की तरफ से। तो चलो आइए, आज हम वीडियो के अंदर बताते हैं आपको कैसी है मूवी गदर 2 मूवी। हमने जिस प्रकार से सोची थी उस प्रकार से गदर 2 मूवी हमें उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। 22 साल बाद गदर 2 मूवी रिलीज हुई, लेकिन गदर फर्स्ट में जिस प्रकार से इमोशन और साथ में हमें देखने को मिला था, उस प्रकार इस गदर 2 मूवी में हमें उसकी जैसे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। गदर 2 मूवी में कुछ ज़्यादा नया पूरा नया नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं मूवी देखने लायक है। गदर 2 मूवी का जब ट्रेलर आया था तो हमें उससे कुछ अंदाजा हो गया था कि बेटा पाकिस्तान में और बाप जाएगा और वहाँ पर जाकर गदर मचाएगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा ही है और कुछ नहीं भी है। ये मूवी देखने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा, इसके लिए आपको मूवी देखने जाना पड़ेगा। गदर 2 मूवी की हम बात करें तो इसकी लेंथ है करीब 3 घंटे करीब। इसके फर्स्ट हाफ की बात करूँ तो जब भी सिनेमा जी स्क्रीन पर आते हैं उनके डायलॉग डिलीवरी से हमें वो वाला फील मिल जाता है जो गदर फर्स्ट में हमें मिला था। एक्चुअली ऐसा बार बार फील होता है कि ये गदर 2 मूवी बनाई इसलिए गई है कि इसके अंदर तारा सिंह वाला जो रोल था सिनेमा जी का, उसको नए तरीके से गदर 2 के अंदर फिर से रिप्लेस किया जाए, कि गदर 2 मूवी में तारा सिंह उसी प्रकार से जाकर गदर मचाएंगे पाकिस्तान के अंदर। एंड आप लोग भी मूवी को तभी इंजॉय कर पाओगे जब तारा सिंह या तो कोई डायलॉग बोलेगा या फिर कोई एक्शन करते हुए आपको दिखेगा। मूवी के फर्स्ट हाफ में सिनेमा जी केवल 30-35 मिनट के लिए दिखाए जाएंगे, और बल्कि 40-50 मिनट में हमें जीते का रोल करने वाले उत्कर्ष शर्मा को हमें ज़्यादा दिखाया जाएगा, उसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिली है तारा सिंह के बजाय, जिसमें हमें तारा सिंह के बेटे जीते का रोल निभाने वाले उत्कर्ष शर्मा के डायलॉग डिलीवरी और उनकी जो तरह की एक्टिंग है वो हमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, जिससे हमें तारा सिंह जिस प्रकार से आते हैं और उनकी डायलॉग डिलीवरी होती है तारा सिंह की, वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। गदर फर्स्ट मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि सनी देओल ने किस प्रकार से पाकिस्तान में एल्बम उखाड़ा था, और उस एल्बम उखाड़ने के बीच में लोग कितनी पास आ जाते सनी देओल के लिए पास, लेकिन गदर 2 मूवी में ऐसा नहीं है। गदर 2 मूवी में जिस प्रकार सनी देओल ने हेडपम्प उखाड़ता हो तो लोग दूर दूर चले जाते हैं। उस उनको पता है गदर फर्स्ट में किस प्रकार से सनी देओल ने लोगों की दूर चटाई थी उस हेडपम्प से, इसलिए गदर 2 मूवी में लोग हेडपम्प से दूर चले जाते हैं उखाड़ते टाइम। गदर 2 मूवी में विलन का रोल करने हैं मनीष वाधवा, जिसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और दिखाया गया, जिसमें वह कुछ भी कर सकता है, वह आर्मी का चीफ दिखाया गया, जिसमें हमें गदर फर्स्ट में अमरीश पुरी को जिस प्रकार से विलन का रोल में हमें दिखाए गए थे, उसी प्रकार गदर 2 मूवी में मनीष वाधवा को हमें विलन का रोल में दिखाया गया है। गदर 2 मूवी के हम CGI VFX की बात करें तो इस मूवी में CGI VFX आजकल की जैसे मूवी आ रहे हैं उनके मुकाबले इस मूवी में CGI VFX काफ़ी कमज़ोर नज़र आते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।